भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, सभिया का इंसाफ मांगते, सभिया का इंसाफ मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दिल्ली पुलिस से मांग है अपनी, दिल्ली पुलिस से मांग है अपनी,
सजा में उनको दे दो फांसी, सजा में उनको दे दो फांसी। आप उठाने से डरे सब, आप उठाने से डरे सब। हद में रह के बात करे सब, हद में रह के बात करे सब। फांसी दो भाई फांसी दो, फांसी दो भाई फांसी दो। रेपिस्टों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो। फांसी दो भाई फांसी दो, फांसी दो भाई फांसी दो। रेपिस्टों को फांसी दो, रेपिस्टों को फांसी दो। एसआईटी की जांच मांगते, एसआईटी की जांच मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अगर हम लोग जो गुजरात में 2002 में जो वाकया हुआ, जो शर्मनाक हादसा पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को शर्म से डूबने का जैसा एक वाकया था, तभी हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आ जाते। सिर्फ मुसलमान नहीं, जो मजलूम है, जो रूल कर रहे हैं रेप के नाम पे, दंगों के नाम पे, आज वो अगर एक उनके खिलाफ हम लोग तभी उठते तो आज उनकी जरूरत नहीं होती। ये सभी यहाँ का क्या वाकया है किसी को मालूम नहीं। सोशल मीडिया में मैक्सिमम ये हुआ वो हुआ बोल रहे हैं, तो थोड़ा वो मैं खुलासा करते हुए क्यों हम लोग आज जमे हैं ये आप लोगों को मकसद समझाते हुए मेरी बात को ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। सभी यहाँ एक स्टूडेंट नहीं थी, एक हाउसवाइफ नहीं थी, एक नॉर्मल प्राइवेट जॉब करने वाली नहीं थी, एक सिविल सर्विस जो पुलिस डिपार्टमेंट की एक सेल्फ डिफेंस टीम की एक मेंबर थी। वो वेल ट्रेंड थी, फिजिकली फिट थी, उसके बावजूद उसके साथ उसके सीने को काटा जाना, शर्मगाह को फाड़ना, जिस्म में ऐसा हिस्सा नहीं था वहाँ जहाँ चाकू लगा हो, तो ऐसे वो भी दिल्ली से हरियाणा लेके जाके उसकी बॉडी को फेंका गया। तो पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत थी वो, पुलिस डिपार्टमेंट जो हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट है बोल के आराम से अपने घरों में सोते हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट की एक इज्जत और उनका कॉन्फिडेंस थी वो। आज सब लोगों के बीच में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोल के एक सवाल है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस ही लेडी कॉन्स्टेबल सेफ नहीं है, उसका रेप और मर्डर किया जाता है, तो आम लड़कियों की हालत क्या होगी। यही था ना मेक इन इंडिया और क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ा के हम लोग जॉब लगाए, हिफाजत कौन करेगा? खाली जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा। इंडिया में रेपिस्ट के खिलाफ एक सख्त कानून लाने का हमारा डिमांड है। हम लोग SDPI से डिमांड कर रहे हैं कि रेपिस्ट के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए। रेप होने पर स्पेशल एक कमेटी फॉर्म करके उसकी जांच फास्ट हो और रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मीडिया वाले, आज के गोदी मीडिया ये बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम है, उसका बॉयफ्रेंड था। मुस्लिम रहा तो क्या हुआ? मुस्लिम रहा तो अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो मुसलमान के हिसाब से अगर उसको सजा देना चाह रहा है, सौ कावड़े मारे, हमको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेपिस्ट रेपिस्ट होता है, उसकी किधर भी इज्जत नहीं करना चाहिए, इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता, ये आप लोग समझ लो। अगर ऐसे ही चलता रहा आगे आगे लोग अपने डिफेंस के लिए उठेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा उनका हट जाएगा। क्यों इतना बोल रहे हैं, अभी तक ना दिल्ली में FIR हुआ ना हरियाणा में FIR हुआ। उसके माँ बाप इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ऊपर से केजरीवाल 10 लाख 20 लाख देता हूँ बोल के मुंह बंद करा रहे क्या? 10 लाख 20 लाख इंडियन छोड़ो, ये रेप को फेवर करने वाले बहुत से मिनिस्टर भी हैं, उनको और BJP के थोड़े दलालों को अगर हम लोग दूर रखे हैं, 100 करोड़ लोग 1 रुपया डाले तो उनके अकाउंट में 100 करोड़ हो जाएगा। तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसाफ इम्पोर्टेंट है। जहाँ इंसाफ और जहाँ एक जो है इंसाफ रहता है वो देश अमन रहता है। हम लोग सिर्फ आज यहाँ जमा हुए हैं इंसाफ कायम होने के लिए। जो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, वो मुस्लिम रहने दो, ब्राह्मण रहने दो, दलित रहने दो, वो कोई भी रहने दो,
उसके लिए इंसाफ होगा। आज जानवरों के लिए इंसाफ हो रहा है तो हमारी जो बहन है, जो भी बहनें हैं, उनके सिर्फ सबीहा की बात करने नहीं आए हम लोग, जो भी हमारे बहनें हैं उनको हिफाजत चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर तो हमको भरोसा ही नहीं रहा, दिल्ली का गवर्नमेंट भी यूपी का सॉरी मोदी के तलवे चाटने का जैसा लग रहा है हमको। तो इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी सेकुलर पुलिस हैं, आज अपनी बेटी का ये जो बहन का या बेटी का जो वाकया हुआ है, अगर आप लोग सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाना है, हो सके तो उनके हाथ में आप लोग सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स भी देना पड़ेगा। तो अगर वो देंगे तो हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ये बात को सीरियस लें और हमारी जो भी नौजवान बच्चियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं। जो भी दरिंदे अगर उनको काट खाने आएंगे, उनको ऐसा सबक सिखाना है कि वो आइंदा दूसरी लड़की की तरफ क्या हाथ उठा के भी देखना नहीं। देखो सिंपल फंडा है, कुत्ता जब भी पीछे लगता है भागेंगे तो भगाता है, कुत्ता जब भी पीछे लगता है भागेंगे तो भगाता है, जब भी घूम के रुकते हैं तो ऐसा भागता है। ये ऐसे कुत्ते हैं, ये लोग ऐसे कुत्ते हैं। तो इसके लिए वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कौन भी हो, हमको उसकी परवाह नहीं है। ऐसा वाकया हिंदुस्तान में और एक बार नहीं होना, यही सिर्फ प्रोटेस्ट में ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इसके बाद इंशाल्लाह हो सके तो हम लोग लड़कियों को जो प्रोफेशनल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में लेडी जो रहेंगे उनके साथ हम लोग अवेयरनेस क्लासेस चलाएंगे। ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो हो रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे। आप लोगों का ताउन हमको चाहिए इंशाल्लाह। हम लोग एक नया हिंदुस्तान, नया कारवां, खौफ से आजादी, भूख से आजादी हमारा पार्टी का नारा है। इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक, आखिरी खून का बूंद रहते तक हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग सभी हमारे साथ रहना बोलने की बात कहते हुए मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, सबिया का इंसाफ मांगते, सबिया का इंसाफ मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, वर्दी की वो शान मांगते, वर्दी की वो शान मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, बाकी वो फरियाद मांगते, बाकी वो फरियाद मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख जांच मांगते, एसआईटी की जांच मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, रेपिस्टों की जान मांगते, रेपिस्टों की जान मांगते, रेपिस्टों की जान मांगते, रेपिस्टों की जान मांगते, किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख